एकदम सही तरीके से पक गया। यह है मालदाम लंगड़ा और यह है दसहरी। और ये जो आम है ना बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा। शॉक्ड हो गए? शॉक मत हो, ये एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि ये मेरे घर के बगीचे के पेड़ के आम है। हमारे घर में कम से कम 12 से 13 पेड़, जिसमें मालदा है, दशहरी है, बॉम्बे है, हिमसागर है, बहुत सारे आम हैं। हाँ, ये तो मैं लेके आई थी गर्मी के दिनों में, लेकिन पकते पकते इसको लग गया, अच्छे से पकने में, नेचुरल वे में पकने में इनको कम से कम 15 दिन लग जाते हैं। धीरे धीरे बहुत सारे आम मैंने खा लिए, तो इसीलिए एक्सपेंसिव है। बहुत मीठा यार। हाँ, मेरे जैसे जो लोग हैं ना वो कैलकुलेटिव नहीं होते, वो एकदम इमोशनल होते हैं। इस आम के साथ ना मेरा इमोशन जुड़ा है, क्योंकि ये सिर्फ आम नहीं है, मेरे लिए बहुत अनमोल है यार, बहुत महंगा है, दिल से महंगा है। क्योंकि हम लोग ना वो इमोशन, वो रिश्ता कि मेरा है, मेरे पेड़ का है, बहुत सोचते। मैं तो बाकी लोग अरे यार इतना महंगा आना जाने में लगे, इससे अच्छा तो यहीं से इतना इतना खरीद ले, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं बहुत इमोशनल हूँ कि यार ये मेरे पेड़ क्या है, मैं तो लेके जाऊंगी, मैं जाऊंगी तो देखना है आपको हमारे घर का बागीचा। तो चलिए आपको लेके चलते अपने आम के पेड़ के पास। गाइस, ये मैं दरभंगा में हूँ। ये देखो आइसक्रीम बेचने का तरीका क्या इंटरेस्टिंग है। और ऐसे में अगर आप इनसे आइसक्रीम ना खाएं, ये देखिए दरभंगा शहर की शादी क्या चमचमाता हुआ सजाया है। अरे बाप रे बाप, अरे इनको देखिए, इनको देखिए, चुपके से निकल गए, मोबाइल देखिए ऑन। तो देखिए गाड़ी, रोड सही नहीं है, एकदम पतला सा रोड है। गाड़ी, किसी को पानी पीना है? पानी पीना है? देख चलिए क्या खाना खाने, अरे चलते हैं ना। ये लो आ गए अपने आंगन के आम के पेड़ के पास। अरे वाह, अपने हाथ से तोड़े, ये भी तोड़ लेते हैं, सब बटोर रहे हैं हम मुंबई ले जाने के लिए। अरे वाह, ये देखिए, ये देखिए जोड़े में आम। हाँ, आपको भी मन कर रहा है ना, कर रहा है ना मन? हाँ लीजिए लीजिए, आप भी ले लीजिए, ले लीजिए। अरे कोई बात नहीं, ये काम नहीं। कैसा लगा मेरा बगीचा? देखा ना मुझे, मैंने खुद अपने हाथों से सारे कच्चे आम तोड़ के लाई थी, मैं अपने पसंद से जो जो मुझे चाहिए था। ये तो और भी मीठा है बॉस। इधर हो रही है बारिश, लेकिन ये आम का जो फील है ना बिल्कुल वैसा ही आ रहा है जैसे गर्मियों में होता है। मैं अच्छे से आम खा लेती हूँ, तब तक लिटिल लिटिल मिस भी बॉस।